हरे कृष्णा अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 6। न चैतद् विद्मः कतरान् नो गरियो यद्वा जयेमा यदिवा नु जयेयुः यान् एव हत्वा न जीजी विसमस्तेवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। इसका अर्थ, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। इसका तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन व्यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजयी हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह आध्यात्मिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेश में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करता है कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह वह निष्कर्ष निकाल कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्णा। ये था तात्पर्य दोस्तों। ये श्लोक तो जो तात्पर्य शीला प्रभुपाद ने बताया है, इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे शीला प्रभुपाद ने इस श्लोक के द्वारा हमको बताई है तात्पर्य में, लास्ट लाइन में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ग्रहण करने और अनुगामन फॉलो करने के योग्य है। वो है, जब तक इंद्रियाँ संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आजकल इंद्रियां, मतलब हमारे सेंसेस, पंच कर्म इंद्रियां जो हमारी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनके कंट्रोल में हैं। हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सूंघते हैं, ये सब हम हमारी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, जब कोई हमको लग रहा है कि हम हमारी इच्छा से कर रहे हैं, नहीं, ये इंद्रियों के इच्छा से कर रहे हैं। मन उन्हें निर्देशन दे रहा है, जो उसको अच्छा लगता है वो उनको निर्देशन दे रहा है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो महसूस करना है, और वगैरह वगैरह। तो इसमें आत्मा इतनी विलीन हो जाती है कि वो उस बहकावे में आके हर किस्म का पाप कर डालती है। तो ज्ञान की प्राप्ति करना तो संभव ही नहीं है, कठिन हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां हमारे बस में ना होकर हमको उसके बस में रख कर वो ऐसे ऐसे काम करवाती है हमसे कि हम उसमें पापरत हो जाते हैं और ज्ञान की बातें सुनने में बिल्कुल इच्छा नहीं रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करें, अपने कंट्रोल में करें, तो उसके बाद ही ज्ञान का मिलना होता है। और जहाँ ज्ञान और भक्ति होती है, वहीं पे मुक्ति मिलती है।
तो मुक्ति इंद्रियों के बहकावे में आके नहीं मिलती है, इंद्रियों को काबू करके आती है। ये फर्स्ट स्टेप है। जब इंद्रियों को हमने काबू कर लिया तो ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि मन तभी स्थिर हो जाएगा। ज्ञान पाकर हमारे में अच्छे गुण आएंगे और हम भगवत भक्ति करने लगेंगे, भगवान की सेवा करने लगेंगे। सेवा करने से इंद्रियां जो दूषित हो गई हैं अनंत काल से, हमसे क्या क्या करवा रही हैं, वो पवित्र हो जाएंगी, क्योंकि ऋषिकेश जो इंद्रिय के स्वामी हैं वो खुद हमारे में बसे हुए हैं, वो उसको शांत करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ही इज़ द कंट्रोलर। वो बाहर भी कंट्रोल करते हैं और हमारे अंदर भी कंट्रोल करते हैं। तो उनकी उपासना से ये ज्ञान आ जाएगा हमें और इंद्रियां भी पवित्र हो जाएगी और धीरे धीरे हम मुक्ति के मार्ग पर चलने लगेंगे। तो इस लाइन का ये अर्थ श्रीला प्रभुपाद हमको बताते हैं कि इंद्रियों को संयमित करना ये पहला स्टेप है। और दूसरे लाइन में लास्ट में वो बताते हैं, अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। जबकि वो इतना बड़ा भक्त था, महानुभाव था, पुण्य आत्मा था, तो सही बात है कि जब इंसान अपना स्तर उठाता है, अपना लेवल उठाता है भगवत भक्ति करके, तो उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। उसमें धीरे धीरे भक्ति करके भौतिक गुण, अवगुण नहीं, अच्छे गुण आने लगते हैं और उसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा दैवी गुण, अच्छा गुण आने लगते हैं, जिसके दम से वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो ये था इस श्लोक का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल शरद पूर्णिमा है और उसके बाद से दामोदर मास शुरू होने वाला है। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट महीना है। ये 13 अक्टूबर से लेके 12 नवंबर तक होता है दामोदर मास। जबकि हालांकि 12 मास मतलब 12 मंथ्स बहुत ही अच्छा होता है भक्ति करने के लिए, मगर जैसे दिन में जो सबसे अच्छा काल जो माना जाता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, जो 4 से 6 बजे के टाइम का होता है, सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले। उस दौरान हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, हरि नाम सुनते हैं या भगवान का कथन सुनते हैं, तो उसका ज़्यादा लाभ होता है और हम सात्विक गुण में रह के भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मन को भी स्थिर कर सकते हैं इस काल में उठकर जो साधना करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काल है। तो वैसे ही 12 मास जो होता है पूरे कैलेंडर ईयर में, उसमें से 4 जो महीने होते हैं वो बहुत पवित्र माने जाते हैं, जिसको बोलते हैं चतुर्मास। तो चतुर्मास जो 4 महीनों वाला होता है, उसका लास्ट मंथ होता है ये दामोदर मास, उसको बोलते हैं कार्तिक आपके हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो ये जो कार्तिक महीना होता है दोस्तों, ये बहुत पवित्र माना गया है और बहुत बहुत ही ज़्यादा पुण्यायी माना गया है, क्योंकि इस टाइम पे भगवान के स्पिरिचुअल डोर्स ओपन होते हैं और ये हमको यहाँ पे एंट्री मिलती है इसमें, इस मास में, जो भी हम भगवान की, कृष्ण की सेवा करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, जैसे एकादशी जो सबसे पवित्र दिन माना गया है दिनों में, उस दिन भगवान की आराधना करते हैं, कृष्ण का दिन माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त जैसे कृष्ण का काल माना जाता है, टाइम माना जाता है, ये सब भगवान की उपासना करने के लिए हमको भगवान ने उपलब्धि दी है। जैसे दुकान में सेल लगता है ना, तो हम उस दिन कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं और हमारा पैसा बचाते हैं, वक्त बचाते हैं आगे के लिए। वैसे ही साल भर में भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमें इस दुखमय संसार से छुटकारा पाके जल्दी से जल्दी अपने पास लेने के लिए, लेके जाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए ये सब हमें देते हैं, सुविधा करवाते हैं कि ये सेल लगी है, ये खजाना लूटो और वापस चले आओ। तो वैसे ही
एकादशी हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, इन सब में भक्ति करने जैसे जो करते हैं टाइम में, वो बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। तो चतुर्मास के इसमें जो दामोदर मास आता है वो सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। मतलब इस टाइम पे जो भी हम भगवत कार्य करते हैं, हरिनाम जप करते हैं, भगवान का श्रीमद् भागवतम का कथा श्रवण करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का कथन श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं, तो और धाम में हम जाते हैं भगवान के, कोई भी वृंदावन धाम हो, जगन्नाथपुरी हो, मायापुर हो, द्वारका हो, ऐसे उसमें सबसे बड़ा वृंदावन धाम माना गया है, तो यहाँ सब हम यात्रा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पुण्य, ज़्यादा हमको फल भक्ति प्रदान करती है इस टाइम पे। क्योंकि अभी जो बाकी काल है, एकादशी हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, बहुत सारे व्रत हुए भगवान को पाने के लिए, ये सब कृष्ण की अनुकंपा पाने के लिए करते हैं, वो सब भगवान के इसमें व्रत है। मगर दामोदर महीना, कार्तिक महीना जो है दोस्तों, वो श्रीमती राधा रानी का महीना है। तो श्रीमती राधा रानी अन्य कोई नहीं, वो स्वयं कृष्णा ही है इन फीमेल फॉर्म, जो हमको भक्ति प्रदान करती है और कृष्ण के पास लेके जाती है। तो राधा रानी जो कृष्ण की हृदयेश्वरी है, वो सबसे करुणामयी है दोस्तों, और सब शक्तियों की स्रोत वही है। भगवान कृष्ण के बहुत सारे शक्तियां हैं, उनमें से परम उच्चतर की शक्ति है, पराशक्ति बोलते हैं, अंतरंगा शक्ति बोलते हैं, इंटरनल पोटेंसी बोलते हैं कृष्ण की, वो है राधा रानी। तो जब हम भक्ति करते हैं तो राधा रानी के क्षेत्र में आ जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र और कुछ नहीं, हम राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान की शक्ति, राधा रानी, हे राधा रानी, हमको कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए, ले लीजिए। तो ये इसका अर्थ हुआ। तो दामोदर महीना में किया हुआ आराधना, राधा रानी बहुत ज़्यादा तुरंत प्रसन्न हो जाती है और खुश भी रहती है, तो वो हम पे कृष्ण का आशीर्वाद और खुद का भी मर्सीफुल ग्लांस हम पे डालती है, अनुकंपा डालती है, और हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से भक्ति में आगे पहुँचते हैं और बारीकी से शास्त्र का ध्यान करते हैं तो वो हमको समझ में आता है। तो ये महीना बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है दोस्तों, ये जो कल से शुरू होता है, और शरद पूर्णिमा मतलब कल से शुरू होता है और 12 नवंबर तक रहता है। तो आप अभी पूछोगे कि इसमें क्या करना है, इसमें बहुत कुछ करना होता है, बहुत लाभ है, जिनको पता है उनको पता ही है, और जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूँ थोड़े से, इसमें बीच बीच में मैं आपको बताते ही रहूँगी आगे जाके। तो मेन जो है इस व्रत का ऐसा होता है एक महीना कि जो घी का जो दिया होता है ना दोस्तों, घी का दिया जो आप भगवान को ये करते हो, लगाते हो, तो उसी दिए को आपको लेना है और सुबह शाम उसको दामोदर भगवान मतलब कृष्ण भगवान, आपके पास अगर फोटो हो जहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण को एक उखल से बांध रही है, ऐसे आपका पास फोटो हो, या फिर यशोदा मैया कृष्ण को अपने गोदी में लेके बैठी है, ऐसा कोई तस्वीर हो, तो आप उसके सामने घी का दिया जला के रख सकते हो और उसको हमें उनके सामने दिया लगा के घुमाना है, जैसे हम पंचारती करते हैं ना भगवान की, वैसे उसका आरती करना है। वो आप भगवान के पैर से लेके सर तक ऐसे आरती करके फिर उसको 7 बार घुमा सकते हैं। ये करने से बहुत 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 लाभ मिलता है दोस्तों, और भगवान की बहुत कृपा बनी रहती है। ये सबसे टॉप मोस्ट सेवा है इस महीने का। और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, व्रत है, उपवास आप कर सकते हैं, फिर आप यात्रा पे जा सकते हैं, ये सब बहुत फलदायक है, क्योंकि ये सब करने से इस महीने में, जो बाकी महीने में करते हैं वो तो फल मिलता ही है, मगर कार्तिक महीने में किया हुआ ये व्रत हमको 1000 गुना ज़्यादा फल देता है। और जब हम धाम में यात्रा करते हैं तो वो तो 10,000 गुना ज़्यादा मिलता है, मतलब आप सोचिए कुल सब मिला के 1 करोड़
टाइम्स ज़्यादा हमको फल मिलता है, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये महीना हम जैसे भगवान ने हमको सेल लगाया है और हम उसकी सेल की यूज़ करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं, क्योंकि भगवान से ज़्यादा हितकारी और कोई नहीं है हमारा। ये सब हमको सुविधाएं भगवान ने ही दी है, ये कष्ट नहीं है, बहुत सुलभ है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मगर जो आपको अच्छा लगता है सेवा में भगवान को करने के लिए, वो आप कर सकते हैं। तीन मुख्य चीज़ है, एक तो मैंने आपको बता दी, दीप दान करना, मतलब भगवान के सामने घी का दिया जला के भगवान की आरती करना सुबह शाम। अगर आपको टाइम नहीं मिले तो एक बार भी आप दिन में दिखा सकते हो दामोदर भगवान के सामने। और दूसरी चीज़ हरि नाम का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुकान में यहाँ वहाँ कहीं पे भी आपको 108 बीट्स की मणि मिलती है इजीली, आप लेके उसको जप कर सकते हो 108 टाइम्स, या जितना आपको मन करे 4-5 माला, जैसे भी आप शुरुआत करना चाहते हो इस महीने से शुरुआत कीजिए, बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, लाभदायक होगा। और तीसरा जो है वो है हरि कथन और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो कार्तिक महीना होने के बाद भी आप इसको जारी रख सकते हो, इन तीनों चीज़ों को, हरिनाम का जप करना, हरिनाम का कथन सुनना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अगर आप उठ सकते हो तो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो और इसका लाभ दामोदर महीना में आराम से निकाल सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि ये राधा रानी का महीना है, जो कि बहुत ही हमारी बहुत ही मर्सीफुल भगवान की जो भक्ति स्वरूपिणी है, हृदयेश्वरी है। तो बोलिए राधा रानी की जय, दामोदर मास की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीला प्रभुपाद की जय।